हेलो बच्चों, हम लोग आ गए थे सम करते करते क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक्सरसाइज 7.1। याद होगा? नहीं याद होगा तो याद मैं दिला देता हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2-5 एंड -2 9। दैट मीन्स लेट कर लेते हैं, लेट पी हुज कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई एंड ए गिवेन ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 2 एंड -5। अनदर बी, इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -2 और 9। बोथ आर इक्वी डिस्टेंस, दैट मीन्स इक्वी डिस्टेंस का मतलब हुआ पी ए इज इक्वल टू पी बी। हेंस पी ए इज इक्वल टू पी बी, दैट मीन्स पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। स्क्वायर भी कर देंगे तो रूट लगाने की जरूरत नहीं, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस नाइन होल स्क्वायर। हमें इसमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, इक्विडिस्टेंस है तो दोनों बराबर होगा और हमें इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। एक्स और वाई हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे कि हमारा क्लियर हो जाएगा कि कहां ये बन रहा है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे है तो वाई हमारा जो होगा ना, वाई जीरो होगा। वाई जो होगा वो हमारा जीरो होगा। इट इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, क्लियर। और वाई एक्सिस पे होता तो एक्स जीरो होता। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4-4x+25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4+4x+81। एक्स स्क्वायर 4 शुड बी कैंसल, -4x+4x+ इज इक्वल टू 81-25। -8x इज इक्वल टू 81 में से हम लोग 25 माइनस कर देंगे, मिल जाएगा -56। माइनस माइनस कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 56/8, 8 7 56, सो एक्स इज इक्वल टू 7। और कोऑर्डिनेट ऑफ पी एज 7 एंड 0, दैट इज योर आंसर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। क्वेश्चन नंबर एट हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, जब पी और क्यू हमें वैल्यू दे रखा है और ये दे रखा है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 यूनिट है। तो पी का वैल्यू हमें क्या दे रखा है, पी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 एंड -3, 2 एंड -3। क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है 10 एंड y। पी क्यू इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स 10-2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। 10-2 वी गेट 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स हमें क्या मिला, वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100 माइनस 64 और 9। 64 और 9 को जोड़ दें तो 73 हो जाएगा, इस साइड ले जाए 73। इट बिकम्स वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 में से 73 माइनस करके एलएचएस में ले आते हैं, माइनस करेंगे मिल जाएगा हमें
27 इज इक्वल टू जीरो. अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक की तरह इसको हम सॉल्व कर देंगे, स्प्लिट कर देते हैं. वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू जीरो. 6 को हमने स्प्लिट किया 9 माइनस 3, y इज कॉमन, देन y प्लस 9 माइनस 3 इज कॉमन, देन अगेन y प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो. इधर y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, y प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो और y माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो. सो y इज इक्वल टू इधर माइनस 9 और 3. ये हमारा y की वैल्यू फाइंड आउट करना निकल गया आंसर. y हमारा या तो माइनस का 9 होगा या 3 होगा. ओके आप कॉमा लगाओ या और लगाओ, और भी लगा सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 9, इफ क्यू 01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी 5 माइनस 3 एंड आर एक्स 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर. तो देखिए हेयर इज द वी हैव गिवन क्यू 01. Q आपको गिवेन है, P आपको गिवेन है, P गिवेन है 5 माइनस 3 और R गिवेन है, R क्या गिवेन है X और 6. आपको क्या गिवेन है, इक्विडिस्टेंस है कहां से, Q जो पॉइंट है, तो P और R से इक्विडिस्टेंस है. दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमें गिवन है. दिस इंप्लाइज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. हम लोग अब इसको निकाल दें. पी क्यू निकालने के लिए 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर. सॉल्व कर दीजिए. 25 प्लस 4 जा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 25 प्लस 9 जा 81. देखिए 25 तो कैंसिल हो गया, 16 को उधर ले जाके पूरे टर्म को इधर ले आ सकते हैं. तो इक्वेशन क्या हमारा बन जाएगा, 16 इधर बचा उधर एक्स स्क्वायर माइनस हमें क्यू से लेना है, हमने इससे ले लिया, गलती हो गया, हमें क्यू से लेना है. ये यहां पर गलत, दैट मीन्स ये भी गलत हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है. हमें क्यू पी दे रखा है क्यू आर, तो इसमें से माइनस होगा, एक्स माइनस जीरो होगा, x माइनस जीरो प्लस 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5 स्क्वायर, इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 25, ये कैंसिल होगा 25. नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, x हमारा प्लस माइनस 4 होगा. अब हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर, फाइंड आउट करने को कह रहा है क्यू आर भी और पी आर भी. क्यू आर, क्यू आर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, क्यू आर दैट मीन्स 0 माइनस 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 माइनस 6 और 1 माइनस 6 5 का स्क्वायर. ये बनेगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह हम 4 लगाएंगे, 4 जा 16, 16 प्लस 25 41 अंडर रूट यूनिट, ठीक है. और हमें दूसरा एक पीआर भी निकालने को कह रहा है, तो पीआर भी निकाल देते हैं. पीआर निकालना भी और आसान है, सेम फॉर्मूला. पीआर पी से आर के बीच में,
तो 5 माइनस 4 या कुछ भी लिख लें, होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 क्या, तो माइनस 3 माइनस 6 दैट मींस माइनस 9, 9 जा 81, दिस इट बिकम्स 1 प्लस 81 अंडर रूट 82 यूनिट्स, अंडर रूट 82 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर आएगा, क्लियर हो गया। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में और है, टेंथ, जिसमें कह रहा फाइंड द रिलेशन, रिलेशन दैट मींस यू नीड टू फाइंड इक्वेशन। चलो इसको पहले साफ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 36 एंड माइनस 34। मान लीजिए ये पी पॉइंट है एक्स वाई और यहां से इक्विडिस्टेंस है ए और बी आपका, वही जैसे सेवेंथ किया था, ए ए का हमें कोऑर्डिनेट है 36 और बी का कोऑर्डिनेट है माइनस 34। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर, अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, कैंसिल। अब ये क्या बन जाएगा, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 टू द 12 वाई प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 वाई, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 9 अगेन प्लस 9 कैंसिल, और तो कुछ दिख नहीं रहा कैंसिल होने के लिए, तो माइनस 6 प्लस 6 तो माइनस 6 एंड ये इसको इधर ले आते हैं माइनस 12 वाई प्लस 8 वाई प्लस 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स माइनस 12 एक्स प्लस माइनस 4 वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहां पर हमें दिख रहा है 4 से सारे के सारे डिवाइड होने वाला है, दैट मीन्स माइनस 3 एक्स माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, डिवाइडेड बाय 4, अगेन सारे माइनस को प्लस कर दें, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 3x प्लस y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन, रिलेशन बनके तैयार। इसमें हमने मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 सभी पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमें मिल गया। आप यहां पर माइनस 4 से डिवाइड करते तो भी यही मिल जाता। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज खत्म। अब हम लोग मूव करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, आने वाले वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला आपको बताएंगे, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। तब तक लाइक सब्सक्राइब और बाकी वगैरह 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 सब कुछ करते रहना। एक ही बात, कुनबा बढ़ाओ, हम बहुत सारे संख्या में हो, मुझे भी मजा आए और आपको भी मजा आए, हम लोगों में से दोनों को मजा आए, ऐसा काम करो। कहते हैं ना वो कौन से हमारे, अब कौन से कवि थे, कवि का नाम मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने कहा था
कि ऐसा काम करो जो खुद भी सुखी रहो, सबको सुखी करो, तो करते रहो सुखी। इसलिए फिर मिलते हैं सेक्शन फॉर्मूला के साथ अगले वीडियो में। बाय।